हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक एडवर्टीजमेंट जिसमें उन्होंने अप्रेंटिसेस को एंगेज करने के लिए एडवर्टाइज़ किया है। एडवर्टीजमेंट नंबर आप देख रहे हैं इसमें स्क्रीन पर, और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है इसकी एप्लीकेशंस की 6 जुलाई से शुरू हो चुकी है और लास्ट डेट जो है 26 जुलाई है। टेंटेटिव जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन की डेट है टेंटेटिव, वो है इन द मंथ ऑफ अगस्त 2021। इसमें और जो इम्पॉर्टेंट प्रोविजन है मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर एंगेजमेंट इन वन स्टेट ओनली। कैंडिडेट्स कैन अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन ओनली वंस अंडर दिस एंगेजमेंट प्रोजेक्ट। द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन इज कंप्लीट ओनली व्हेन फी इज डिपॉजिटेड विद द बैंक थ्रू ऑनलाइन मोड ऑन और बिफोर द लास्ट डेट फॉर पेमेंट ऑफ फीस। कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू अप्लाई ऑनलाइन। नेक्स्ट इज ऑल रिविजन्स कॉरिजेंडम इफ एनी विल बी होस्टेड ऑन द बैंक्स वेबसाइट। स्टेट वाइज सीट्स ऑफ अप्रेंटिसेस, स्टेट वाइज लोकल लैंग्वेजेस, डिस्ट्रिक्ट वाइज ट्रेनिंग सीट्स, एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग, स्टाइपेंड, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जामिनेशन सेंटर्स, फीस एंड अदर रिलेटेड पैरामीटर्स आर मेंशन्ड बिलो। किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में कौन सी लैंग्वेज का आपको एग्ज़ाम देना है लोकल लैंग्वेज का, और कितनी पोस्ट रिजर्व हैं किस कैटेगरी के लिए, वो इसमें दिया हुआ है। आप देख सकते हैं SC, ST, OBC, EWS, UR और टोटल वैकेंसीज जो हैं इन्होंने बताई हैं, और टोटल पोस्ट जो हैं 6100 आप देख रहे हैं। नेक्स्ट है कैंडिडेट्स टू ऑप्ट फॉर वन स्पेसिफाइड लोकल लैंग्वेज ऑफ हिज सेलेक्टेड स्टेट at the time of online application. The number of training seats mentioned above is provisional and may vary according to the actual requirement of the bank. फिर इन्होंने abbreviations दिए हैं सभी के लिए, normally हम जानते ही हैं, आप इसमें से देख लीजिएगा। Next इन्होंने दिए हैं the district wise breakup of number of seats where training will be given is as under. Candidates will be given option to choose any 3 preferred districts of the applied state at the time of registration. हर स्टेट में टोटल सीट्स बताई हैं और आगे डिस्ट्रिक्ट वाइज उन्होंने ट्रेनिंग सीट्स दी हैं, जो जिससे कंसर्न है वो उसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। इस स्लाइड में भी जो स्टेट्स हैं उनकी नंबर ऑफ सीट्स टोटल और डिस्ट्रिक्ट वाइज सभी ब्रेकअप दिया हुआ है। सिमिलरली यहाँ पर भी उन्होंने पंजाब, तमिलनाडु, पांडिचेरी, उत्तराखंड, तेलंगाना, राजस्थान, केरला, इनका सबका ब्रेकअप दिया है। इनकम्स उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, आसाम। इसमें आप देख रहे हैं मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, बिहार, झारखंड। एज जो है मिनिमम 20 इयर्स एंड मैक्सिमम 28 इयर्स एज ऑन 31st October 2020, और जिसने कट ऑफ डेट देखनी है वो भी इसमें लिखा हुआ है। मैक्सिमम एज इंडिकेटेड इज फॉर अनरिजर्व्ड एंड EWS कैंडिडेट्स। रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट इज एप्लीकेबल एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस फॉर SC, ST, OBC, PWD कैंडिडेट्स, और रिजर्वेशन फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी ये भी क्लॉज है जिनके लिए रेलिवेंट है, प्लीज़ पढ़ लें। देखते हैं और इम्पॉर्टेंट डिटेल्स। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज ऑन 31st October 2020। ग्रेजुएशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग होगी, ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग इज ऑफ 1 ईयर। स्टाइपेंड बेनिफिट, the apprentices are eligible for stipend of ₹15,000 per month for the engagement period of 1 year. The apprentices are not eligible for any other allowances or benefits. Weightage relaxation in recruitment of junior associates. Weightage relaxation in recruitment of junior associates will be given to the apprentices who have successfully completed the apprenticeship ट्रेनिंग इन आर बैंक। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस है। सिलेक्शन फॉर एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसेस वुड बी बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ
ऑनलाइन रिटन टेस्ट एंड टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज। ऑनलाइन रिटन टेस्ट जो है उसका इन्होंने दिया है सिलेबस, सब्जेक्ट दिए हैं सिलेबस ने। द स्ट्रक्चर ऑफ ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन वुड बी एज फॉलोज। ऑब्जेक्टिव टाइप होगा जनरल ऑब्लिक फाइनेंशियल अवेयरनेस, 25 क्वेश्चंस, 25 मार्क्स, 15 मिनट्स। जनरल इंग्लिश 25 क्वेश्चंस, 25 मार्क्स, 15 मिनट्स। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चंस, 25 मिनट्स मार्क्स, 15 मिनट्स। रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चंस, 25 मार्क्स, 15 मिनट्स। तो टोटल 100 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स, 1 आवर। ईच टेस्ट विल हैव ए सेपरेट टाइमिंग एज मेंशन्ड अबव। हर एक का टाइमिंग 15 मिनट करके फिर लेंगे, फिर दूसरा, फिर ऐसे होगा। नेक्स्ट उन्होंने लिखा है ईच टेस्ट विल हैव ए सेपरेट टाइमिंग एज मेंशन्ड अबव। द क्वेश्चंस विल बी बाइलिंगुअल, दैट इज इंग्लिश एंड हिंदी, एक्सेप्ट फॉर द टेस्ट ऑफ जनरल इंग्लिश। देयर विल बी नेगेटिव मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर्स इन द ऑब्जेक्टिव टेस्ट। 1/4 ऑफ मार्क असाइंड फॉर क्वेश्चन विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू स्कोर ए मिनिमम परसेंटेज मार्क्स ऑन एग्रीगेट। फॉर SC/ST, OBC, PWD कैंडिडेट्स 5% रिलैक्सेशन अवेलेबल देयर ऑन। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ऑन एग्रीगेट विल बी एज डिसाइडेड बाय द बैंक। देयर आर नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर इंडिविजुअल सब्जेक्ट। मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन स्टेट वाइज एंड कैटेगरी वाइज। Candidates qualified in the test will be placed according to their aggregate marks in descending order in respect of states and categories. In case more than one candidate scores same marks as cutoff marks in the merit list, common marks at cutoff point, such candidates will be ranked in the merit list according to their age in descending order in respective states and categories. Other detailed information regarding the examination will be given in the Acquaint Yourself booklet, which will be made available for download to the eligible candidates along with the call letter for the test. The online examination will be held in the month of August tentatively. The tentative list of examination centers are as under. ये स्टेट यूनियन टेरिटरी एग्जामिनेशन सेंटर बताए हैं, ये सभी आप देख लीजिए जो जिसके लिए रेलिवेंट है। इसमें भी इन्होंने स्टेट वाइज जो है सेंटर्स दिए हुए हैं, जो भी जिसके लिए रेलिवेंट है देख लीजिए। ये भी लिस्ट ऑफ सेंटर्स है और इसमें लिखा है कैंडिडेट शुड चूज द नेम ऑफ द सेंटर वेयर ही शी डिजायर्स टू टेक द एग्जामिनेशन और नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ सेंटर फॉर एग्जामिनेशन शैल बी एंटरटेन्ड। टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज, ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन के बाद ये टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज है। इसमें यहाँ प्रोवाइडेड है, इसकी डिटेल्स आप पढ़ लीजिएगा। लोकल लैंग्वेजेस हमने शुरू में देखी थी जहाँ इन्होंने नंबर ऑफ वैकेंसीज बताई हैं, उसमें आप दोबारा देख सकते हैं। नेक्स्ट इज मेडिकल एग्जामिनेशन। एंगेजमेंट ऑफ सेलेक्टेड अप्रेंटिसेस इज सब्जेक्ट टू हिज हर बींग डिक्लेयर्ड मेडिकली फिट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द बैंक। Final selection will be subject to verification of eligibility for the post and information furnished in the online application. Qualifying in test of specified opted local language where applicable as detailed above. Qualifying in the medical examination. Uske baad waiting list hai. Waiting list will be maintained for 1 year from the date of result of the engagement of apprentices or next engagement exercise whichever is earlier. जॉब प्रोफाइल में लिखा अप्रेंटिस, दिस इज नॉट एन एम्प्लॉयमेंट इन द बैंक। फीस और इंटीमेशन चार्जेस जो है कैटेगरी वाइज दिए हैं, नीचे आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। जनरल OBC EWS ₹300, SC/ST PWD nil। फी इंटीमेशन चार्जेस वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड ऑन एनी अकाउंट नॉर कैन इट बी हेल्ड इन रिजर्व फॉर एनी अदर एग्जाम और सिलेक्शन। इसके अलावा और भी जो जनरल इंफॉर्मेशन है इसमें दी है और डिटेल्ड में
जो एडवर्टीजमेंट है उसकी कॉपी में डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे रहा हूँ, जिसने देखनी हो प्लीज़ देख लीजिएगा। हाउ टू अप्लाई में गाइडलाइंस फॉर फिलिंग एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ फीस, ये आप देख लीजिए। जो भी प्री रिक्विजिट्स हैं फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन वो इसमें लिखे हुए हैं, और जो लोग एलिजिबल हों और इंटरेस्टेड हों वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं।